घटना सतना सेंट्रल जेल के ठीक सामने की है, जहां पैरोल से वापस जेल जाते समय एक कैदी पर जानलेवा हमला हो गया। आधा दर्जन हमलावरों ने चाकू से हमला कर कैदी को मारने का प्रयास किया, जिसके बाद जेल प्रहरियों ने आनंद फानंद में घायल कैदी को सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कैदी घनश्याम सुबह 302 के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा है और हाल ही में वह पैरोल में अपने गांव बमीठा गया हुआ था, जहां से वह पैरोल खत्म कर सतना सेंट्रल जेल वापस जा रहा था। इसी दौरान उस पर हमला हो गया। जानकारी के अनुसार हमलावर आरोपी सतना के सिंधी कैंप के रहने वाले हैं, जो सतना सेंट्रल जेल में कुछ दिन पहले ही कैद थे और हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। सभी अपराधी किस्म के बदमाश हैं। हालांकि सभी आरोपियों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जेल के बाहर क्या बंदी को मारा गया किसी ने 302 के। जानकारी ये बताया कि चाकू मारे कौन लोग मारे ये बताया तो मैंने खुद नहीं पूछा कि कौन मारा क्या किया, लादे एम्बुलेंस में सीधे लेके चले आए। किसने मारा है दो तीन ये देखे लड़का है हैं ये हैं कि लड़का है जो ये सिंधी कैंप के। अच्छा हाँ सर, कहाँ पे हुई ये घटना? ये सैनिटाइजर के सामने हैं, सतना सैनिटाइजर के सामने। जेल के अंदर की बाहर? बाहर दूरी में। अच्छा, आप कर रहे थे वहाँ? जा रहे थे वापसी, फेयरवेल पे आए थे, वापसी जा रहे थे जी साहब। ये लड़के कौन थे? ये लड़के सिंधी कैंप के हैं साहब। We'll be right back.